स्वागत है आपका कुक विद अरीना के चैनल में। तो आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सोया चंक्स की सब्जी, जो कि बहुत हेल्दी होती है। हमने लिया है 200 ग्राम बड़ा पैकेट सोया चंक्स का। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बर्तन के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। और इसमें डालेंगे हम 2 मग भर के पानी के। पानी डालने के बाद डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच नमक, और इसको हमने बनाने से पहले प्री बॉयल करना है। तो आइए इसे प्री बॉयल करते हैं। इसे हमने तब तक बॉयल करना है जब तक ये हमारी जो चूरा है ये फूल ना जाए। ये देखिए हमारे जो चंक्स हैं काफ़ी फूल गए हैं, तो इनको हम अब इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। इसको आप छन्नी में डाल के स्ट्रेन कर सकते हो। इसको प्री बॉयल करने से एक तो इसकी स्मेल कम हो जाती है, और दूसरा ये बहुत अच्छी तरह से फूल के अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। मैंने लिए हैं चॉप्ड प्याज, टमाटर, 1 शिमला मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें डाल लूँगी प्याज। हमने अच्छे से प्याज को भून लेना है। अब डाल रही हूँ इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हो। और 2 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें डाल रही हूँ मैं पेरी पेरी मसाला। आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब डालूँगी मैं टमाटर। टमाटर भी मैंने चॉप्ड लिए हैं। हमारा ये मसाला भून चुका है, तो इसमें डालूँगी अब मैं 1 चम्मच ओरिगैनो, जो चाइनीज़ डिशेस में यूज़ होता है वही डाल रही हूँ 1 चम्मच मैं। और 1 बड़ा कप डालूँगी मैं इसमें टोमेटो केचप का, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको डाल के भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला भून चुका है, तो इसमें डालेंगे हम अब चंक्स अपने। इन चंक्स को डाल के भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने फुल फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा हमारा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से रोस्ट करना है हमने। ये देखिए हमारा चंक्स और मसाला मिक्स हो गया है। अब डाल रही हूँ इसमें मैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने बाद में इसलिए डाल लिया है ताकि इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन गई होगी तैयार, तो इसे मैं करूँगी गार्निश धनिए के साथ। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बना के दिखाऊँ आपको मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।